जिंदगी का गेम हो या फिर कोई भी गेम हो, जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है। ठीक है, अगर बीच में आकर आप छोड़ देंगे तो याद रखिएगा, पहले सोचिएगा जरूर कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, और स्टार्ट करने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचो कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आपने उस काम को स्टार्ट किया है, कुछ सोच कर भी थोड़ा भी माइंड में कुछ आया है, इसका मतलब वो काम को आप कर सकते हैं अगर पूरी शिद्दत के साथ की जाए, पूरे एफर्ट के साथ अगर किया जाए तो। अगर आप बीच में कहीं भी डगमगा रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनत ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सोचिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और त्रिकोणमिति का लाइव क्लास होगा आज शाम को 4 बजे जो है वो आपका लाइव क्लास होगा, वो भी 5वां पार्ट होगा। कितना नंबर पार्ट? 5 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट तक मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, बच्चों की तरह समझा दिया है। अगर आप बोलते हैं भैया समझ में नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। आप वीडियो देखना, आप बोलोगे भैया समझ तो आ रहा है, पढ़ने का लेकिन मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये आप बोलेंगे वीडियो देखने के बाद। और आज कवर करेंगे हम सभी कब का, 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, SSC का या फिर बैंक का। और एक बात याद दिला दूं, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं ना, तो एक साल तक आपको हर एक एग्जाम का कम से कम 20-25 सेट दिया जाएगा ताकि आप जज कर पाओ अपने आप को कि उस एग्जाम में आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और क्लास कितने बजे चलता है ये वाला। तो रोज सुबह में 4:30 बजे 10 से 12 मिनट का क्लास होता है, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जिसको बोला जाता है वो करवा देता हूं, और एग्जाम जब होता है उस दिन मैं रिव्यू भी देता हूं कि देख लो कितने क्वेश्चन मेरे फंसे हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय नौवाहन बोर्ड यानी नेशनल शिपिंग बोर्ड के नए प्रमुख यानी नए हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंटेड किया गया है, नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड उनका नाम बताना है। तो राष्ट्रीय नौवाहन बोर्ड के जो हेड बना दिए गए हैं उनका नाम क्या, मालिनी शंकर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने अभी रिपोर्ट जारी किया है, बहुत लेटेस्ट डाटा रिपोर्ट जारी किया गया है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो एयर पॉल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, वो कम से कम ना 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो यह किसके रिपोर्ट में बताया गया है, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है नासा के द्वारा। और जाहिर सी बात है पूरा विश्व अगर थम चुका है COVID-19 के वजह से, तो ज्यादा एयर पोल्यूशन कब होता है, जब गाड़ी चलाओगे, इंडस्ट्री चलेगा, कुछ तो चल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है उतना क्लैरिटी तो आएगा ही आएगा एयर पोल्यूशन में, ठीक है। और नासा की बात करें तो नासा के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो जिम ब्रंडस्टाइन जो है वो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, नासा का गठन कब हुआ था, तो 1958 में। और हेड क्वार्टर क्या है नासा का, तो आप बोलेंगे जो अमेरिका में पड़ता है Washington DC में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को कब तक रोक रखा है। अभी रिसेंट में एक सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, जितने भी सेंट्रल कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जो है वो नहीं दी जाएगी। डीए बोलते हैं ना, डीए बोलते हैं, वो कब तक नहीं दी जाएगी, तो जुलाई 2021 तक। ये बात आप सभी याद रखिएगा। दूसरी बात, अब इसके अंदर ना एक डाटा के अनुसार सरकार को इससे जो है 37,500 करोड़ का जो है वो फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 2020 को किस राज्य ने खोगजम दिवस जो है वो मनाया है।
तो यह मनाया गया है मणिपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और यह क्या है भैया, देखो 1891 में ना मणिपुर के, मणिपुर राज के द्वारा और ब्रिटिश के द्वारा यानी ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में हालांकि मणिपुर हार गया था, ब्रिटिश जीत गया था, लेकिन उसमें जितने भी योद्धा लड़े थे मणिपुर के द्वारा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या बोल सकते हो ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो आपका यह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और मणिपुर के सीएम कौन है, एन वीरन सिंह, कैपिटल इम्फाल, और राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला जो है वो राज्यपाल है मणिपुर की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। डेट तो याद रखना ही रखना, दो चीज मेरा और याद रखिएगा आप सभी। पहला, यह पहली बार संशोधन कब किया गया था, यह बिल कब लाया गया था, तो 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। एग्जाम में ना जाने कितनी बार आप सभी से पूछा गया है यह चीज, तो डेट याद रखिएगा ना, 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसके फादर किसको बोलते हैं, तो बलवंत राय मेहता कमेटी को, इनके द्वारा जो है यह लाया गया था। और एक बात, किस अनुच्छेद के अंदर, तो 343 अनुच्छेद के अंदर। ये तीन चीज तो गांठ बांध लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहां के प्रोफेसर ने, यानी कहां के प्रोफेसर ने, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर जो है वो विकसित किया है, जिसके द्वारा एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर जो है वो COVID-19 का पता लगाया जा सकेगा, यानी बस एक्सरे कर जो है COVID-19 का पता लगाया जा सकेगा। ये कहां के प्रोफेसर ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो IIT रुकरी के जो प्रोफेसर है वहां के। और अभी इसका ऑफिशियल अप्रूवल ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अभी ऑफिशियल जो आपका टैग मिला है वो मिला नहीं है, तो जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन का जो है वो सुविधा मांग रहा है, तो यह श्रीलंका के द्वारा मांगा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि वहां पर हालात भी जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं COVID-19 के वजह से। और श्रीलंका में चुनाव भी जो है वो स्थगित हो गया है, आप सभी को पता है ना 24-25 अप्रैल को चुनाव होने वाला था विधानसभा का, तो प्रधानमंत्री का नाम तो छोड़ दो, अभी याद रखिएगा वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, गोटाबाया राजापक्षे, ठीक है। अगर मैं बात करूं राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है। और मुद्रा तो श्रीलंकन रूपी, ये मुद्रा इस्तेमाल करते हैं हम लोग श्रीलंका में, हम लोग नहीं वहां के लोग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा लॉन्च किया है, आप सभी को पता है ना कल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश भर के कुछ पंचायत के जो हेड है उनसे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की थी। उस दौरान एक योजना लॉन्च किया गया, उस योजना का नाम क्या है, स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर आपका ए। इस योजना क्या बोलता है भैया, इस योजना के माध्यम से जितने भी गांव हैं, ड्रोन कैमरा के द्वारा हर एक गांव का जमीन का जो है वो माप लिया जाएगा। इससे क्या होगा भैया, इससे एक एक गांव का डाटा केंद्र सरकार के पास रहेगा, और जब जो भी लड़ाई कला होता है गांव में ना जमीन को लेकर, उसको दूर किया जा सकेगा। और एक बार ड्रोन के माध्यम से हर एक गांव का माप लेने के बाद जिसका जो जमीन है उसको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो यह सब किस योजना के तहत होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का स्थान क्या है,
तो इंडिया का स्थान जो है वो 142 है, याद रखिएगा 2020 में। और एक बात आप सभी याद रखना कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपका नॉर्वे है और नॉर्वे जो है वो शीर्ष पर है इस रैंकिंग में। और पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि नॉर्वे का प्रधानमंत्री का नाम, नॉर्वे का मुद्रा और नॉर्वे का राजधानी, यह तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 अप्रैल का। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। शाम को 4 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे त्रिकोणमिति के साथ, 5वें पार्ट के साथ। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।